मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की नवनिर्मित सड़क को दबंगों ने हल से जोता, अब तलाश रही पुलिस। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कृष्णा ब्रह्म अरियाव पथ से अमथुआ अनुसूचित टोली तक बनाई जा रही सड़क के निर्माण के तुरंत बाद ही स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्रैक्टर से जोत दिया गया। आजादी के बाद अनुसूचित बस्ती तक तकरीबन 11 लाख रुपयों की लागत से पहली बार बन रही नई सड़क बनने से पहले ही काफी दूर तक क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा मजदूरों को गोली मारने की धमकी दी गई है। मामले को लेकर संवेदक के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद कृष्णा ब्रह्म थाने की पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के बीच भी हड़कंप का माहौल कायम है। घटना के बाबत थाने में दिए अपने आवेदन में संवेदक मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर के मुकुलानंद ने बताया कि 17 जून को ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता के समक्ष उक्त पथ को बनाया गया था। रात तकरीबन 8 बजे वह वापस लौटे, लेकिन लौटने के बाद अमथुआ गांव निवासी ललन यादव के पुत्र हरेंद्र यादव तथा दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रैक्टर से सड़क को जोत दिया, जिससे कि काफी दूर तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना NDB के अंतर्गत हमको अमथुआ हरिजन टोला कृष्णा ब्रह्म अरियाव पथ से अमथुआ हरिजन टोला का कार्य आवंटित था। वो काम फरवरी से चल रहा था। उस रोड में सबसे पहले अर्थवर्क था, उसके बाद कलवर्ट का काम हुआ, उसके बाद GSB हुआ, Grade 3 हुआ। लगभग 4-4.5 महीना से काम चल रहा था। कल मैंने SDBC का काम सुबह में ही शुरू किया। सुबह से काम करते करते 8:30 बजे रात तक काम चला, काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म होने के बाद हम अपने घर बक्सर हम चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि किसी हरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने ट्रैक्टर और हल से उस सड़क को ही 72 मीटर में लंबाई में पूरा जोत दिया है। फिर सुबह हम अपने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित किए। सूचना देने के बाद सब जगह अपना लेटर दिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद कृष्णा ब्रह्म थाने में मैंने आवेदन भी दिया है कि इस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। सड़क तो तैयार हो गई थी पूरी तरह से? सड़क बिल्कुल तैयार हो गई थी। कितने का नुकसान हुआ है सर? सर अनुमानतः लगभग मैंने 1,72,000-70,000 के आसपास इसमें नुकसान होना चाहिए, वाजिब होना चाहिए। इसमें आगे कार्रवाई जाएगी? आगे ग्रामीण कार्य विभाग जैसा दिशा निर्देश देगा वैसा किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन का कुछ सहयोग मिल रहा है? अभी मैंने कृष्णा ब्रह्म थाने में आवेदन दिया है, उसके बाद अभी तक कोई वहां से रिस्पांस नहीं मिला है। मुकुल आनंद, बक्सर। प्रभारी थानाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने बताया है कि इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।